अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहेगा अगर आपको मिले इस तरह का शानदार किचन, इस तरह का खूबसूरत हाल और इसके साथ बहुत कुछ। मुकम्मल वीडियो में आज हम आपको विजिट कराएंगे सिटी हाउसिंग सियालकोट में 5 मरले का इंतहाई खूबसूरत घर बी एक्सटेंशन ब्लॉक में, और इसकी कीमत बताएंगे, इसका मुकम्मल रिव्यू करवाएंगे। मुझे उम्मीद है ये घर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाला है। वो क्यों पसंद आने वाला है वो वीडियो में आगे चल के आपको नज़र आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिखा दें इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अगर बात की जाए इसके एरिया की तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जितना भी एरिया है वो टोटल रेजिडेंट एरिया, ठीक है, टोटल रिहाइश है यहाँ पर। और ये घरों के अंदर एक घर जो है मौजूद है जो कि इस वक्त का इस पूरी लाइन में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस आपको नज़र आ रहा है, जिसका गार्डन आप चेक कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा इसमें मज़ीद बेहतरी करने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर जो हैं वो ऐड किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, और आगे चल के आपको दिखाती है इसमें कौन कौन से आपको बेहतर मज़ीद फीचर जो हैं वो मिलने वाले हैं। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप ये डोर चेक कर सकते हैं, ब्लैक कलर में इसको जो है डिज़ाइन किया गया, गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया, साथ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। फ्रंट एलिवेशन में अगर आप चेक करें तो इसमें ऊपर तक लाइट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, लैंप जो टॉप के ऊपर लैंप लगाए गए हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनके ऊपर लैंप लगाए गए हैं। आपको यहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन के साथ ये लैंप मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं मुकम्मल रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके गराज की बात की जाए, स्पेसेबल, काफ़ी ज़्यादा स्पेसेबल यहाँ पर आपको जो है इसका गराज मिल जाएगा। गराज की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी गाड़ी बहुत आसानी आप खड़ी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास और भी स्पेस जो है वो मौजूद है। यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं, कुछ अक्सर चीज़ें आप यहाँ पर साइड पर रख सकते हैं यहाँ पर जो आप नहीं रखना चाहते। सीढ़ियों के नीचे खूबसूरत वाइड और बड़ा पॉडरूम मिल जाएगा, जो कि 5 मरला में बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े साइज़ में जो है पॉडरूम बना के दिया गया है, जो कि बाहर से ही इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें अल्मोनियम का जो है वो डोर इंस्टॉल किया गया है। इसको बंद कर दिया। अब इसका फ्रंट एलिवेशन का जो मेन एंट्रेंस मेन गेट है आपको ज़रा वो दिखा दें, ये रहा इसका मेन डोर जो कि सॉलिड तरीके के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ब्रेकी का जो ब्रेकर है सेटअप है वो यहीं पर बाहर इंस्टॉल किया गया है, जहाँ से आप बंद करके बाहर जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं कि अंदर आप अंधेरे में खड़े हों। चलिए आ जाएं इस घर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप सीढ़ियाँ अंदर एंटर होंगे, साथ ही आपको स्टेयर मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जिनमें स्टील और ग्रेनाइट मार्बल ब्लैक और वाइट का इस्तेमाल किया गया है। अंदर आते ही आपको एक वाइट सीन जो है वो नज़र आने वाला, लेकिन लगता नहीं है कि ये 5 मरले का घर है, लेकिन है ये 5 मरला ही, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तर्ज के ऊपर जो है वो किया गया है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किचन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको डिकोर इस तरह किया गया है, इसकी जो टक्कर है उसको प्रॉपर डबल किया गया है। इसमें यहाँ पर ये सब्जी वगैरह के लिए आपको जो है वो सेटअप में स्टील में मिल रहा है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक होड मिल रहा है, चूल्हा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल रहा है, ब्लैक कलर गोल्डन कलर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बैक व्यू है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ऑटोमेटिक डिश वॉशर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज जरा और कुछ चीज़ें आपको दिखा दी इसमें, ये देखिए बैक साइड के ऊपर प्रॉपर जो है वो टाइल लगाई गई है, डबल टूटी यहाँ पर आपको मिली, नल मिले जो कि स्टील के हैं, अच्छी कंपनी के नल मिले, यहाँ पर टाइल लगाई गई है ताकि दीवारें ख़राब ना हो और ये खूबसूरत भी रहे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर वाटर पंप जो है वो नज़र आ रहा है, ये उसके जनाब आपको पॉइंट दे दी गई है, वॉशिंग मशीन के जो है वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ भी दे दिया गया है। इनके हर चीज़ को बेसिक तरीके के साथ जो है डिज़ाइन किया गया, अच्छी क्वालिटी के फैन जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया, मुकम्मल दीवार के ऊपर जो है वो सोलर लैंप लगाए गए हैं, और इसी के साथ सबसे बड़ा खूबसूरत मीडिया वॉल जो है वो यहाँ पर आपको इंस्टॉल मिलने वाला है। अभी इस घर की कंस्ट्रक्शन का अमल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग में कुछ चीज़ें भी रहती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लीट होने वाली है, जैसे कि ये फ्रेम पर आए अभी ये भी लगने वाला है, ऊपर भी कुछ काम जो है वो होने वाले हैं। तो मेरा दिल से रहा नहीं गया, मैंने सोचा इसकी फटाफट से जाके वीडियो बना लें, ठीक है, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं होता, पहले 8-9 महीने का इंतज़ार किया है, तो अब चल के इसकी वीडियो बनाते हैं और चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। ओह सॉरी, बेडरूम तो आपको दिखाई नहीं, आज 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 आपको बेडरूम भी तो दिखाना है ना, आप भी तो बता सकते हैं, ठीक है। ये है इसका बेडरूम, ये इसकी बैक वॉल है, इंतहाई अच्छे तरीके के साथ इसको वॉलपेपर के साथ जो है डिज़ाइन किया गया, दोनों साइड तरफ जो है साइड टेबल और टेबल के साथ ऊपर ये सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको कबर्ड मिल जाएगी, कबर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक ठाक स्पेसेबल यहाँ पर जो है वो आपको कबर्ड नज़र आने वाली है। कॉटन का इस्तेमाल किया गया, भाई पर्दी शर्दे लगा दी गई हैं। ज़रा वाशरूम चेक करें, वाशरूम में वैनिटी चेक कर सकते हैं, सैनिटी चेक कर सकते हैं, उसके अलावा शावर केबिन आपको उस साइड के ऊपर शावर जो है वो मिल जाएगा, डिजिटल जो है वो ग्लास का इस्तेमाल किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि ऊपर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है।
अगर तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लाइक करके कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और जो हजरात हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 मिलियन जो हैं वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। आप सबके प्यार का मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ ऊपर आते ही क्या सीन मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा जनाब खूबसूरत वाइट है, एक और किचन जो कि पहले तो आपको दिया था, अब एक और किचन आपको यहाँ पर जो है नज़र आ जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें ऊपर आपको 3 बेडरूम नज़र आएंगे, नीचे आपको जो है वो 2 बेडरूम नज़र, 1 बेडरूम नीचे, 3 बेडरूम टोटल, 4 बेडरूम, चारों के साथ अटैच वाशरूम और डबल किचन, ठीक है। ये इसका किचन है, खूबसूरत किचन है, एक किचन नीचे दिया है, किचन ऊपर दिया है। ये इसका जनाब होटल आ चुका है, ये अभी लगने वाला है, यहाँ पर लगेगा ये होटल। चूल्हा जो कि इंस्टॉल कर दिया गया, डिश वाशर जो कि इंस्टॉल कर दिया गया, ये एक बड़ी कमाल की चीज़ लगाई इन्होंने, ठीक है, ये मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है। एक बेडरूम इस तरफ, दूसरा और ये तीसरा बेडरूम, एक बेडरूम आपको नीचे भी आ चुके हैं। इस बेडरूम में चलते हैं आज। इस बेडरूम में जनाब फ्रंट के ऊपर ये वॉलपेपर और ये कर्टन और बड़ी साइज की विंडो, और विंडो के साथ ही इस तरफ आपको कबड़ मिल जाएगी, ग्रे कलर में जो है वो कबड़ के इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपको अल्मोनियम के डोर के साथ एक वॉशरूम जो है वो मिल जाएगा। ये बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, अल्मोनियम जो है वो ख़राब नहीं होता पानी के साथ। आज नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं, बेडरूम नंबर 3 आपको विजिट करवा देते हैं। यह है जनाब बेडरूम नंबर 3, जिसमें गोल्डन कलर के कर्टन, सेफ्टी ग्रिल और साथ ही अल्मोनियम का इस्तेमाल किया गया, ये नज़र आ गया आपको। अब चलते हैं इसके वाशरूम की जानिब, इस तरफ जी आपको इसका वॉशरूम जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर वाइट कलर का टाइल का इस्तेमाल किया गया, बेसन का इस्तेमाल किया गया, अगर चेक करें क्या बात है, कमाल है। आज 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 नेक्स्ट जो है आपको फाइनल एक बेडरूम जो है वो दिखाते हैं, चौथा बेडरूम आपको नज़र आएगा यहाँ पर, जिसमें ग्रे कलर के जो है कर्टन उनका इस्तेमाल किया गया, ग्रे कलर का ही साज मैचिंग जो है वो वाल पेपर बहुत ही नफासत के साथ जो कि इंस्टॉल किया गया है। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, फैन आपको हर कमरे में लगे मिल रहे हैं, और उसके अलावा वैनिटी हर कमरे में मिल रही है, सैनिटरी मिल रही है, कमोड मिल रहा है, शावर मिल रहा है, हर चीज़ आपको मिल रही है, और क्या चाहिए। जल्दी है फटाफट और आपको चीज़ें, इसका टेरेस तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये रहा इसका टेरेस, इसे कहते हैं खूबसूरत टेरेस, और टेरेस के सामने आपको जो व्यू नज़र आने वाला है वो भी चेक करें, ये है टेरेस का खूबसूरत शानदार व्यू। अब मज़ीद आगे चलते हैं, और आगे चल के आपको और दिखाते हैं कि और क्या क्या छत के ऊपर, क्या क्या छत के ऊपर बड़े मज़े आने वाले हैं। आज आज आ जाए फटाफट आ जाए, सेम वही सीढ़ियाँ जो नीचे से आ रही थी वही सीढ़ियाँ सेम ऊपर जा रही हैं। कमाल, यकीन जानो मैं तो दुनिया से आ गया, ओए हो, जब मैं छत पे आता हूँ ना तो एक अच्छी वाइब मिलती है, खुला डुला माहौल मिलता है। छत के ऊपर जब मार्बल लगा हो, उसको पॉलिश किया गया हो, और एक यहाँ पर जनाब वो टूटी इंस्टॉल की गई, ऊपर वो वाल का सिस्टम लैदन से लगाया गया हो, और जो इंटरनेट की केबल्स हैं वो भी छत के ऊपर पड़ी हों, जब चाहें अपना कनेक्शन लगवाएं, एसी की वायरिंग टोटल कम्प्लीट है और रेडी टू मूव है, जब चाहें आप इसके मूव आ सकते हैं, यहाँ पर आपके शिफ्ट हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शेख आरफ हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं जनावर साहब, हम सिटी मोड में घर बनाकर देखते हैं, ये हमारा नवा घर है माशाल्लाह, इससे पहले हमने 8 घर बना के दिए, और जिनको दिए वो माशाल्लाह हमारे से बहुत खुश हैं और आके मिलते भी हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये देखें आके हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और हम दोनों भाई सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देते हैं, 8 से 9 महीने हम अपने घर को जो है ना वो टाइम देते हैं। ये हमने नवा प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट किया है, वो कंप्लीट करके ये बाजवा साहब को इनके हैंड ओवर कर दिया है। और अगर बात की जाए इस घर की डिमांड की, तो इस घर की जो डिमांड है 2 करोड़ 10 लाख रुपए रखी गई है, इस लोकेशन के हिसाब से और इस घर की क्वालिटी के बुनियाद के ऊपर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।